आप जो भी आप स्प्रे है स्प्रे के बारे में सब बता देंगे। अब एक दो प्रोडक्ट्स और होते हैं जो भी होता है हमारा, सबसे पहला होता है डस्ट पाउडर ओसिस का, डस्ट पाउडर होता है ओसिस का जो भी आप देख रहे हैं, ये आपका ऐसे छोटा सी एक लाल सी डिब्बी में आता है ओसिस का डस्ट पाउडर। ये आपको होता है बैक कॉमिंग में मेनली यूज हो, इसका काम होता है बैक कॉमिंग में। बैक कॉमिंग में कैसे कि ये पाउडर फॉर्म में होता है जैसे कि नाम से लिखा है डस्ट पाउडर, और पाउडर फॉर्म में होता है। आप मान लीजिए आपको किसी सेक्शन में बैक कॉम करनी है तो वहां पर आप, लेकिन बैक कॉम हो नहीं पा रही है, बैक कॉम करनी है लेकिन हो नहीं पा रही है क्योंकि बालों या तो ज्यादा सिल्की है या फिर बहुत हल्के बाल है ना, और बालों में कुछ मतलब केमिकल हो रहा है कैरेटीन वगैरह या फिर कोई केमिकल वर्क है स्ट्रेटनिंग वगैरह वो सब, उसके वजह से बाल सिल्की है नहीं हो पा रही है, तो आप ये थोड़ा पाउडर करो और फिर बैक कॉम करो तो बैक कॉम आपकी अच्छी हो जाएगी। ये होता है आपका मेनली यूज बैक कॉमिंग में। समझ में आ गया क्या काम है कि भाई आपको बैक कॉम में यूज होता है, बैक कॉमिंग करने में हेल्प करता है और बैक कॉमिंग आपकी थोड़ी स्टे भी अच्छी कर जाती है, मतलब खुलती नहीं है आपकी बैक कॉमिंग, तो ये उन चीज में यूज होता है जब आपके बालों में बैक कॉम ना हो रही हो तो आप मतलब सिंपल है कि आपकी बैक कॉमिंग नहीं हो रही तो भाई उठा लो उस इसका पाउडर स्प्रे सॉरी डस्ट पाउडर। तो ये है आपका सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है एक और है लोरियाल, लोरियाल का मैजिक रिटच, लोरियाल का मैजिक रिटच जो कि आप देख रहे हैं ये फोटो, ये है आपका लोरियाल का मैजिक रिटच। नाम से आपको पता चल रहा है कि रिटच के नाम से मतलब रिटच के लिए है। रिटच का मतलब क्या, क्या आपके बालों में ग्रे हेयर है, ग्रे हेयर होते हैं फिर भी जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो वो दिखते हैं तो वो चीज अच्छी लगती, तो ये आप स्प्रे की फॉर्म में होता है, ये आप स्प्रे करो तो आपका वो जो ग्रेनेस है बालों में ग्रे कवरेज है वो हो जाएगी, एक तरीके से आपका ग्रे कवरेज का ही काम करता है। ठीक है, ये आपका लोरियाल में आता है मैजिक रिटच का। और लास्ट है आपकी एक वैक्स, वैक्स आपकी आती है कि ये आपकी टेक्नी लोरियाल टेक्नी आर्ट में आती है, ये वैक्स आपकी काम करती है कि आपके जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं फ्रंट में या फिर यहाँ पे नीचे नेक एरिया पे वो इस ताकि आप ये हल्की हल्की कॉम से लेके ऐसे कॉम में लिया आपने और यहाँ पे ऐसे लगा रहे हो वैक्स तो ये आपके बालों को बिल्कुल अच्छे से चिपका देगी। ये आपका मेनली यूज होती है जैसे कि आप स्लीक लुक जब क्रिएट करते हो ना एकदम स्लीक पॉनीटेल बाल जो चिपके होते हैं उसे हम स्लीक बोलते हैं, बिल्कुल स्लीक पॉनीटेल या स्लीक बन वो चीज जब आप करते हो तो उसमें आपके ये यूज होता है ताकि आपके बिल्कुल भी बाल बेबी हेयर जो ये छोटे छोटे होते हैं हमारे यहाँ पे भी होते हैं पीछे बैक नेक पे, तो ये आपका ताकि एकदम अच्छे से सेट हो जाए। स्प्रे से भी बाल थोड़े से मतलब हार्ड हो जाते हैं क्योंकि होल्डिंग पावर होती है इसमें तो वे बाद में ना सेट होने के बाद थोड़े थोड़े उड़ जाते हैं, तो वो वाली चीज है ये आपका एकदम चिपका देते हैं। तो ये आपके तीन प्रोडक्ट्स और है, ये पाउडर मतलब वैसे है कि कोई स्प्रे का काम नहीं है तो स्प्रे अलग है आपके ये अलग है, लेकिन ये भी ड्यूरिंग में ही आता है क्योंकि आप बैक कॉम करे तो ड्यूरिंग स्टाइलिंग के वक्त ही तो यूज करोगे ना, ये भी आप स्टाइलिंग के वक्त ही यूज करोगे ये भी, तो इसलिए ड्यूरिंग स्टाइलिंग में ही आपके आते हैं। लेकिन आप बिगनर्स हो स्टार्टिंग में कर रहे हो तो ये या फिर स्टार्टिंग में भी नहीं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखो नीड के हिसाब से, अगर आपको इस चीज की अभी जरूरत है तो आप लो, अगर जरूरत नहीं है तो अभी मत लो क्योंकि धीरे धीरे क्योंकि भाई ये तो एनी बस ले लेके रख लो सामान, अगर जरूरत नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है, अभी लेने की भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अभी लेने सब प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट ऐसे है कि आप बाद में मान लीजिए आप बिगनर्स हो या फिर आप बस मतलब अभी डमी वगैरह पे मैनिक्योर वगैरह पे आप काम करते हो स्टाइलिंग करते हो तो उसमें आपको उस चीज की कहाँ जरूरत पड़ेगी, उसके बाल तो हैवी ही है, उसके बाल तो मैनिक्योर आती इसीलिए है ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर सके बैक कॉम कर सके, तो उसमें आपको कहाँ उस चीज की आप पाउडर की जरूरत पड़ेगी या रीटच की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। और इसकी जगह तो आप मान लीजिए आपके जेल आता है जेल वगैरह भी यूज कर सकते हो आप, वो तो होता ही है घर में क्योंकि सबके भाई वगैरह तो बाल खड़े करते ही है तो जेल वगैरह भी यूज कर सकते हो आप, तो ये चीज ऐसी है कि आप ये तीन चार प्रोडक्ट्स आप बाद में भी ले सकते हो। तो ये आपकी हो गई आज की क्लास, ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए एकदम
एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आए होगा एकदम, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। रिजल्ट आप तो वो तो आप ही बताओगे, फीडबैक तो आप ही दोगे कैसा लगा, तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक दे देना कि कैसा लगा, कैसा मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमें नए टॉपिक के साथ। प्रोडक्ट्स की क्लास खत्म हो गई, तो प्रोडक्ट्स जो जो भी थे मैंने सब आपको बता दी। मैं कुछ नया प्रोडक्ट ले आऊंगी या फिर कुछ भी होगा तो वो तो हम बात करते रहेंगे, मैं तो आपको कभी भी बता दूंगी कि ये अच्छा नहीं है, नया प्रोडक्ट लिया तो इसका ये काम है। लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास यही प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, मुझे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या ले क्या ना ले। तो मैं अगर क्लियर हूँ तो मेरे ख्याल से आप भी क्लियर होंगे कि ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स ही बताए हैं हर एक वर्ग के लिए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।